अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मुरादाबाद की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी होने वाले ब्राह्मण महाकुंभ के विषय में जानकारी दी गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पंडित करणवीर शर्मा ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज ने समाज की विकृतियों को बचाने के लिए हमेशा से कार्य किया है। इसी परिपेक्ष में मुरादाबाद क्षेत्र का ब्राह्मण समाज एक साथ मिलकर ब्राह्मण महाकुंभ 2024 का आयोजन करके संदेश देना चाहता है कि सभी एकजुट हैं। ब्राह्मण महाकुंभ के मुख्य संयोजक पंडित करणवीर शर्मा ने आगे बताया कि मुरादाबाद क्षेत्र के समस्त ब्राह्मण संगठनों ने सामूहिक निर्णय कर एक अभूतपूर्व ब्राह्मण महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन करने की योजना बनाई है, जो आगामी 1 दिसंबर 2024 को आयोजित होगा। प्रेस वार्ता में महाकुंभ के घटक ब्राह्मण समाज को जागृत करने और संगठित करने के साथ सुरक्षित रहने के संकल्प की अवधारणा ब्राह्मण परिवारों तक पहुंचाने के लिए और समाज को दिशा देने वाले ब्राह्मणों की उपेक्षा करने वालों को करारा जवाब देने की एक पहल की गई है। इस दौरान संगठित रहने के साथ सुरक्षित रहने का भी संकल्प दिलाया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि एक ब्राह्मण ही है जो समाज को बिना किसी भेदभाव के ज्ञान एवं मार्गदर्शन देने का कार्य करता है, परंतु आज सियासी उठक पटक के बीच संपूर्ण ब्राह्मण समाज को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। अब ब्राह्मण समाज सियासी उपेक्षाओं को सहन नहीं करेगा, बल्कि ब्राह्मण संगठन अपने ब्राह्मण परिवारों की देखभाल करने में सक्षम है। इस ब्राह्मण कुंभ 2024 का मुख्य संयोजक मुझे बनाया है ब्राह्मण संगठनों ने, तो मैं उसका प्रतिनिधि कर रहा हूँ। और आज के संबंध में प्रेस वार्ता, आज की प्रेस वार्ता हमने 2024 का जो हम संकल्प कर रहे हैं उसका मैसेज देने की हम एकता का एक मैसेज देना चाहते हैं ब्राह्मण समाज को, मतलब पूरे यहाँ के मुलाकात के लोगों को। ब्राह्मण भी एक जुट है, एक साथ है, संगठित है, तभी सुरक्षित है। अच्छा, क्या जरूरत पड़ी एक कार्यक्रम को आयोजित करने की और क्या इस कार्यक्रम को आयोजित करने की? तो हमेशा जरूरत पड़ी है, ब्राह्मण पहले से भी करते आए कार्यक्रम। ये महाकुंभ का कार्यक्रम मुरादाबाद पहली बार हो रहा है, जिस हमारे कार्यक्रम ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं। अब सबने एकत्रित होके, सब संगठनों द्वारा एकत्रित होके इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिससे एक मैसेज जाए। लोग गलत समझते हैं कि अलग अलग संगठन अलग काम कर रहे हैं, लेकिन महाकुंभ के माध्यम से एक ही मैसेज देने का हमारा काम कि हम एक एक हैं, एक थे, एक ही रहेंगे। आपके द्वारा एक नारा दिया गया, जो संगठित है वही सुरक्षित। हाँ, जो संगठित है वही सुरक्षित है। आप समाज में देखिए, आजकल आए दिन जो समाज संगठित है उनकी बात सुनी जाती है, जो समाज संगठित नहीं है उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो हम मुख्यमंत्री ब्राह्मणों को एक संगठित करने के लिए ये कुंभ मेला का, हाँ संगठित है, संगठित करने के लिए, एकता का मैसेज देने के लिए, समाज में एकता का मैसेज। ब्राह्मण सबकी, किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका हित चाहता है, सबसे मिलकर रहना चाहता है, सबके लिए काम आने वाला ब्राह्मण ही है जो सबके काम आता है। क्या लगता है कि अब तक कमजोर था ब्राह्मण? ब्राह्मण कभी कमजोर रहा ही नहीं है, अलग अलग संगठन होने की नहीं, नहीं, हाँ, लोगों के मन में मैसेज है अलग संगठित है, तो इसलिए एकता का संदेश इस माध्यम से, महाकुंभ के माध्यम से जाए, इसकी जरूरत पड़ी है। या फिर यूं कहें कि मुख्यमंत्री ने भी नारा दिया था, कटेंगे तो बटेंगे। ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कटेंगे तो बटेंगे। उसी को लेकर कहीं ना, संगठित तो वैसे भी होना चाहिए समाज को, एक दूसरे के काम भी आए संगठित है, कोई प्रशासन भी हमारी बात जो भी सुनेगा, अगर हम संगठित नहीं है, हम 16 प्रशासन के पास जाएंगे तो अलग फर्क पड़ेगा, एक एक आदमी जाए तो अलग अलग फर्क पड़ेगा। संगठन की बहुत आवश्यकता एकता की। 1 दिसंबर को जो आपके महाकुंभ होने वाला है, क्या तैयारियां हैं इसकी? तैयारी बहुत पूरी जोरों शोरों में चल रही है, सब मंडलीय स्तर का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अभी कोशिश ये है कि मंडल स्तर का, मुरादाबाद मंडल स्तर का कार्यक्रम हो, सबका सहयोग मिल रहा है, हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। समाज के कितने लोग इसमें जुड़े हैं? समाज के असंख्य लोग, मतलब हम भी, हमें नहीं पता, सोच रहे हैं कि हम भी काउंट नहीं कर पाएंगे उसे, पर आप लोग तो रहोगे, आप देख लें। समाज के लोगों से हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कुछ मांगे भी है। क्या हो तो मैं पढ़ दूं? हाँ, मुख्य मांगे बता। मुख्य मांगे 11 मांगे हमने रखी है ब्राह्मण महाकुंभ के माध्यम से। 2000 पहली मांगे हमारी, समस्त भारतवर्ष में ब्राह्मण कल्याण आयोग का संवैधानिक गठन किया जाए, यह घोषणा एक सीमित ना रहे, परंतु इसका गठन हो तथा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अध्यक्ष न बनाकर ब्राह्मण समाज से ही अध्यक्ष चुना जाए। 2, भारतवर्ष की समस्त जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए,
एवं कल ब्राह्मण वर्ग को प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का लाभ दिया जाए एवं राजनीतिक हिस्सेदारी में प्राथमिकता दी जाए। नंबर तीन, वर्ष 1990 में जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों के हुए नरसंहार को अविलंब न्यायिक जांच हेतु आयोग का गठन किया जाए एवं कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन के लिए पूर्व पैतृक संपत्ति कश्मीर पर स्थापन किया जाए। नंबर चार, भारत वर्ष के कई राज्यों के मंदिरों में गैर ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त किया जा रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाकर ब्राह्मण पुजारी को ही नियुक्त किया जाए एवं देश के प्रत्येक राज्य में भूमिहीन एवं आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों को भूमि का आवंटन एवं रोजगार दिया जाए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आपके? मुख्य अतिथि हमारे महंत राय सर व्यास जी है और हमारे ये शास्त्री जी और हमारे अपने राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, तीन लोग हमारे रहेंगे कार्यक्रम में। यानी कि युग है कि राजनीतिक भागीदारी भी ब्राह्मणों को पूरे तरीके से चाहिए। मुख्य तो ही राजनीतिक भागीदारी ब्राह्मणों की मिलनी चाहिए संख्या अनुसार। क्या लग रहा है कि इस वक्त नहीं मिल, ये पर्दूपुर अभी छोड़ दो, क्या लगता है इस वक्त नहीं मिल पा रही है राजनीतिक भागीदारी? पूर्ण रूप से नहीं है, जनसंख्या के अनुसार जो मिलनी चाहिए वो नहीं। लेकिन डिप्टी सीएम तो ब्राह्मण समाज से बनाया गया, वो डिप्टी सीएम वहाँ ठीक है बनाए, ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाए ठीक है, उसमें क्या मैं क्या करता हूँ। ये हमारा जो महाकुंभ है हम तो एकता का संदेश इस बार देना चाह रहे हैं भाई, राजनीतिक रूप से भी हमारी भागीदारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारा अनुपात